गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ऋषि जैन, ग्लोबल साइंस एकेडमी, डिडवाना, नागौर। आज हम लोग RBSC हिंदी मीडियम के फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स के ऊपर फोकस करेंगे। वन बाय वन हम बच्चों को RBSC फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स जो हैं वो परफॉर्म करके दिखाएंगे और इससे हिंदी मीडियम बच्चों को बड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले आज हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द राजस्थान बोर्ड फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स द सब्जेक्ट इज फिजिक्स। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारे पास में है वो मैं आपको देखिए फोकस करके दिखाता हूँ कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे पास में विभवांतर एवं धारा के बीच ग्राफ खींचकर किसी दिए गए तार का प्रतिरोध और उसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करना। जी हाँ, एक बार फिर से सुनिए, विभवांतर एवं धारा के बीच में ग्राफ खींचकर किसी दिए गए तार का प्रतिरोध एवं उसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करना। तो इसके लिए जो मुझे उपकरण चाहिए वो आप जय किए कि सबसे पहले मुझे चाहिए बैटरी। बैटरी मेरे पास मौजूद है यहाँ पर 1.5 वोल्ट यानी 3 वोल्ट की मैंने ड्राई सेल्स के थ्रू बैटरी कनेक्ट की है। साथ में मुझे चाहिए एमीटर, वी हैव द एमीटर, देन वोल्टमीटर, रियोस्टेट और उसके बाद मुझे चाहिए कुंजी। तो सब चीज़ें मेरे पास मौजूद है। अब हम सबसे पहले प्राथमिक परिपथ जो है हमारा उसको पूर्ण कर लेते हैं। तो फर्स्ट टास्क इज टू कंप्लीट द सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले आप देखिए कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट किया है एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये रहा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और हमने इसको जो कनेक्ट किया तो ये एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है। फिर उसके बाद में एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। तो एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर। फिर वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो रियोस्टेट के एक टर्मिनल से कनेक्ट है। तो देखिए आप, वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल वायर ये जो है संयोजक तार के द्वारा रियोस्टेट के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो रहा है। और उसके बाद में रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल की, तो ये रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल यहाँ पर है, ये आपका की से कनेक्ट हो रहा है। और द अनदर टर्मिनल ऑफ द की, अनदर टर्मिनल ऑफ द की इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और यहाँ पर वोल्ट मीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है जिसकी हमें रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों हमें कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस मेरे पास ये है, इस रेजिस्टेंस वायर का मुझे रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों मुझे याद करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रेक्षण्स पर कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि मुझे सबसे पहले प्रेक्षण्स में, ऑब्जर्वेशंस में प्रेक्षण तार की लंबाई निकालनी है। तो प्रेक्षण तार की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए कि मैंने इसकी लेंथ को कैलकुलेट किया तो ये अप्रोक्सीमेट 22 सेंटीमीटर के अराउंड जो है इसकी लेंथ है। लेकिन हम इसको 22 सेंटीमीटर ना लेकर हम इसको 20 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि एक एक सेंटीमीटर जो है हम इसे वोल्ट मीटर से कनेक्ट करने के लिए डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये देखिए आप कि ये एक सेंटीमीटर और ये भी एक सेंटीमीटर मैंने इसे डिस्कार्ड कर दिया है। और ये रेजिस्टेंस वायर है पर इस रेजिस्टेंस वायर को मैं अकॉर्डिंग टू द सर्किट मैं इसे वोल्ट मीटर के पैरेलल में मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। जी है, ठीक है। तो अब हम उसके बाद में नेक्स्ट मेरे पास में आता है कि ये मेरे पास जो सेंटीमीटर की लंबाई है वो मेरे पास है 20 सेंटीमीटर। वैसे 22 सेंटीमीटर का हमने वायर लिया था, एक एक सेंटीमीटर हमने इसके रोटेट में इसको डिस्कार्ड किया है। वोल्ट मीटर का अल्पतमांक का फॉर्मूला होता है परास बटा कुल खानों की संख्या। जब आप वोल्ट मीटर पर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि वोल्ट मीटर की जो परास है वो 3। तो वोल्ट मीटर की जो परास है वो होगी मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय कुल खानों की संख्या। जब आप वोल्ट मीटर में टोटल खाने काउंटिंग करेंगे तो ये टोटल खाने मेरे पास हैं 60। तो यहाँ पर जो टोटल हो रहा है वह हो रहा है 3/60 मीन्स 0.05 वोल्ट, यानी इस वोल्ट मीटर का अल्पतमांक जो है 0.05 वोल्ट है, ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है मेरे पास एमीटर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एमीटर की जो आप परास देखिए, एमीटर की परास भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एमीटर की परास जो है वो भी है हमारी 3। तो एमीटर की परास जो है वो 3 और एमीटर के अंदर कुल खानों की संख्या भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास है 60। इस तरीके से एमीटर का अल्पतमांक जो है वो 3/60 यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा 0.05 एम्पियर।
ओके नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है स्क्रू गेज का अल्पतमांक। स्क्रू गेज जो है ये उस प्रतिरोध तार की त्रिज्या रेडियस कैलकुलेट करेगा। तो इसका अल्पतमांक देखिए कि जब आप इसको एक राउंड लगाते हैं, एक राउंड जब आप इसका पूरा करते हैं तो इसका चूड़ी अंतराल जो है वो एक होता है, ठीक है। और एक चूड़ी अंतराल में इसके द्वारा वृत्ताकार पैमाने पर जो खानों की संख्या है वो आती है 100। वृत्ताकार पैमाने पर जो कौन खानों की संख्या है, एक जैसे आप पूरा रोटेट इसको करेंगे तो वृत्ताकार पैमाने पर खानों की कुल संख्या जो है वो 100 होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से चूड़ी अंतराल जो हो जाएगा वो 1/100 mm। 1/100 mm का मतलब हो गया 0.01 mm, और 0.01 mm का मीनिंग हो गया mm इज कन्वर्टेड इनटू द सेंटीमीटर, बिकॉज वी हैव टेक द लेंथ ऑफ द वायर इनटू द सेंटीमीटर विच इज 20 cm। सो वी विल कन्वर्ट द लीस्ट काउंट वैल्यू, स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक है वो हम कन्वर्ट करेंगे mm टू सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 0.001 cm। इट्स ओके। तो अब हम जो है इसके बाद में प्रेक्षण्स लेंगे। प्रेक्षण्स मतलब ऑब्जर्वेशंस जो है हम प्रैक्टिकल के लेंगे। तो ऑब्जर्वेशंस प्रैक्टिकल के लेने के लिए अभी जो हमारा परिपथ है वह खुला हुआ है, तो सबसे पहले हम इसमें डॉट लगाकर परिपथ को पूर्ण करेंगे। और जैसे ही हम डॉट लगाकर परिपथ को पूर्ण करते हैं तो उसके बाद में हम ये कैलकुलेशंस करने के लिए हम वोल्टमीटर को सेटल करते हैं। तो वोल्टमीटर को देखिए, आप कहीं पर भी एक रीडिंग के लिए आप सेटल कर दीजिए। जैसे सपोज कीजिए मैंने वोल्टमीटर को सेटल किया है 10। जी हाँ, अब आप रीडिंग्स देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आ रहा है वोल्टमीटर का पाठ्यांक। तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक के लिए सबसे पहले आ रही है भागों की संख्या। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन में देखिए भागों की संख्या, जब हमने वोल्टमीटर पे ऑब्जर्वेशन लिया तो ये मेरे पास आ रही है 10, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वोल्टमीटर में भागों की संख्या है मेरे पास 10। तो लेकिन वोल्टेज की वैल्यू नहीं है, वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको भागों की संख्या को अल्पतमांक से गुणा करना होगा। तो 10 को जब आप अल्पतमांक मीन्स वोल्टमीटर की लीस्ट काउंट वैल्यू उससे मल्टीप्लाई किया जो हमने कैलकुलेट की थी 0.05, तो ये आएगा हमारे पास में 0.50 वोल्ट। फिर हमारे पास आता है एमीटर का पाठ्यांक। 10 वोल्ट पर जब आप एमीटर की वैल्यू रीडिंग आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए ध्यान से एमीटर का जो पाठ्यांक है ये आपका आ रहा है लगभग 9। जी हाँ, 9 के आसपास आ रहा है। तो एमीटर का जो भागों की संख्या आ रही है वो 9 आ रही है, लेकिन ये धारा का मान नहीं है। धारा का मान कैलकुलेट करने के लिए आप 9 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में 0.45 एम्पियर होगा। इस तरीके से हमने ये जो है अज्ञात प्रतिरोध की वोल्टेज की और करंट की रीडिंग्स हमने कैलकुलेट करनी है। उसके बाद में की में से डॉट निकाल देंगे और सभी को ओपन कर देंगे जिससे इसमें कोई करंट फ्लो ना हो। लेकिन अब रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हमें तार की त्रिज्या को भी कैलकुलेट करना होगा, और तार की त्रिज्या को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस वायर को वोल्टमीटर से आउट करके, ठीक है, और स्क्रू गेज में सेटल करना होगा। स्क्रू गेज में सेटल करके हम जो है इसका रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए स्क्रू गेज के अंदर हमने इस वायर को सेटल कर दिया है। स्क्रू गेज में सेटल करने के बाद में अब आप देखिए सबसे पहले मेरे पास आता है प्रधान पैमाने का पाठ्यांक। तो प्रधान पैमाने का पाठ्यांक में हमने नोटिस किया, प्रधान पैमाने को जब आप रीड आउट कर रहे हो तो प्रधान पैमाना जो यहाँ पर स्केल पर है आप देख सकते हो इसका जो रीडिंग है वो है 0। प्रधान पैमाने का जो पाठ्यांक है वह अभी आ रहा है 0। जी हाँ, क्योंकि एकदम आप इसको टाइटली फॉर्म करेंगे तो प्रधान पैमाने का पाठ्यांक आ रहा है 0 cm। वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक, वृत्ताकार पैमाने के पाठ्यांक को जब आप कैलकुलेट करोगे तो प्रधान पैमाने के साथ जो लाइन कोइंसिडेंट कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, आप उसके ऊपर जब आप फोकस करेंगे यानी दोनों लाइनें जब आपस में जहां मिल रही है तो 30 और 31। तो प्रधान पैमाने के अंदर भागों की संख्या 31 है, लेकिन ये प्रधान पैमाने का पाठ्यांक नहीं है। इसका पाठ्यांक निकालने के लिए आप इसको स्क्रू गेज के अल्पतमांक 0.001 जो हमने पहले कैलकुलेट किया था उससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.031 सेंटीमीटर। तो जो टोटल डायमीटर होगा इस वायर का वो हो जाएगा d इक्वल टू प्रधान पैमाने का पाठ्यांक 0 प्लस वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक 0.031। तो टोटल जो आएगा वो आएगा 0.031 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास इसका डायमीटर आया है। अब मुझे इस वायर का रेडियस कैलकुलेट करना है। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए डायमीटर अपॉन 2 एज यू नो, तो डायमीटर जो है मेरे पास 0.031 इट इज डिवाइडेड बाय 2, तो रेडियस मेरे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.015 सेंटीमीटर के अराउंड मेरे पास इसकी रेडियस आ जाएगी। तो अब हमें इसके बाद में कैलकुलेशंस का पोर्शंस फिल करना है। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए मेरे पास सबसे पहले तार के चालक सिरों पर विभवांतर। तो चार के तारक सिरों पर अगर वोल्टेज की बात करूं तो ये मेरे पास आ रहा था 0.50। देन चालक तार में प्रवाहित धारा यानी करंट, करंट की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास में आ रही थी एमीटर का जो पाठ्यांक था यानी कि 0.5
4.5 एम्पियर। फिर उसके बाद ये चलता है यानी वी अपॉन आई, तो वी का वैल्यू जैसे आपको पता है 0.50 और करंट का वैल्यू जैसे आपको पता है 0.45। तो जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मुझे चालक तार जो मेरे पास था जिसके मुझे प्रतिरोध ज्ञात करना था उसका वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये आ रहा है 1.11 ओम के अराउंड, ठीक है, ये 1.11 ओम, ये जो है इस चालक तार का प्रतिरोध जो हमें ज्ञात करना था वो हमने ज्ञात कर लिया है। फिर उसके बाद में मुझे चालक तार की प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, चालक तार की प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए रो रेजिस्टिविटी आर, आर मतलब जो चालक तार का प्रतिरोध था वो मेरे पास था 1.11, पाई का वैल्यू मेरे पास 3.14 और इसके बाद में रेडियस, रेडियस आपने कैलकुलेट की थी तार की, तार की त्रिज्या वो थी 0.015, तो 0.015 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, एल मीन्स द लेंथ ऑफ द वायर मतलब तार की लंबाई, तार की लंबाई आपने कैलकुलेट की थी 20 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ से जब आप इसकी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि 1.11 इस मल्टीप्लाइड बाय द 3.14 मल्टीप्लाइड बाय द 0.015 मल्टीप्लाई बाय अगेन 0.015 एंड दिस वन इज दिस एंड दिस आंसर इज डिवाइडेड बाय 20 एंड यू विल गेट 3.92 मल्टीप्लाई बाय 10^-5। तो ये जो है ओम इंटू सेंटीमीटर, ये इस वायर की रेजिस्टिविटी हमने इस प्रकार से ज्ञात कर ली। तो ये रेजिस्टिविटी और प्रतिरोध हमने दोनों तार का हमारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अब आप अपने YouTube चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।